हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड की। दोस्तों, यहां पे एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड की बेसिकली आज यहां पे Q4 क्वार्टर का रिजल्ट्स कंपनी यहां पे पब्लिश करने वाली है। अभी तक नहीं पब्लिश की, लेकिन यहाँ पे आज के डेट में यहाँ पे करेगी दोस्तों, यानी आज के डेट मतलब 11 मई 2024 की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड आपको देखने को मिल रहा होगा, जो प्रीवियस सेशन में थोड़ी यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। 5 डेज की अगर हम बात करें तो 4% से ज़्यादा ये स्टॉक ऑलरेडी टूट चुका है, और 1 मंथ की अगर हम बात करें तो 0.69% की टूटता हुआ नजर आया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है कि 6 मंथ में गिरावट है, वन मंथ में गिरावट है, यानी मतलब कि 6 महीने से स्टॉक में बहुत ज़्यादा कुछ मूव देखने को नहीं मिला। मेन इसका रीज़न है दोस्तों, जो मैं बताता हूँ क्या है। यहाँ पे 1 साल में देखोगे तो 30% का रिटर्न दे चुका है, और यहाँ पे 5 ईयर्स में स्टॉक 966% का रिटर्न दिया है, जो 2020 की अगर हम बात करें तो 100 रुपये के करीब करीब आपको स्टॉक देखने को मिल रहा था एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड का शेयर प्राइस। लेकिन आज के डेट में अगर हम बात करें तो ये कंपनी का शेयर आपको 1536 रुपये के करीब करीब आपको देखने को मिल रहा है, यानी मतलब शेयर प्राइस में एक तरह से देखें तो बहुत ज़्यादा से तेज़ी यहाँ पे देखने को मिला, और यहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न जो बेसिकली 10,827% का रिटर्न दे चुका है अब तक ये स्टॉक। तो काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिला है एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड के अंदर, और यहाँ पे एक तरह से मल्टी बैगर रिटर्न देता हुआ नजर आया है अपने शेयर होल्डर को। तो यहाँ पे क्या आज की डेट में यहाँ पे गिरावट होगा Q4 क्वार्टर के रिजल्ट्स में? दोस्तों, बेसिकली जो वीकेंड पे अगर कंपनी रखती है, सैटरडे के दिन अगर हम खास करके अगर हम बात करें जो कंपनी रखती है रिजल्ट्स, मोस्टली कंपनियां में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि उसके जो रिजल्ट्स होंगे उसमें गिरावट देखने को मिलेगा, फॉल देखने को मिलता है। फॉल दिखने का मेन, इस डेट में रखने का मेन रीज़न यहाँ पे ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा कुछ गिरावट रहा तो शेयर प्राइस पे इम्पैक्टेड होगा, जो बहुत कम देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर जिस दिन बिजनेस रहता है, अगर जिस दिन मतलब कि वर्किंग होता है शेयर मार्केट का, या मतलब मार्केट ओपन रहता है, उस दिन अगर रिजल्ट्स दे गया और अगर मार्केट आर्स में रिजल्ट्स आ गया तो उस दिन बहुत भारी गिरावट देखने को मिल सकता है, मे बी लोअर सर्किट लग सकता है, ये सब सारी चीज़ों देखने को मिलता है। लेकिन इसलिए ऐसी कंपनियां होती हैं कि मोस्टली कंपनियां ज़्यादा करके मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है कि मतलब कि सब कंपनियां के लॉस में ही आती है, मोस्टली कंपनियां मैं बता रहा हूँ कि अगर 100 कंपनी है उसमें से 75% की कंपनी हो, 75 कंपनी होगी जो लॉस पोस्ट कर सकती है, और यहाँ पर 25% ही कंपनी होगी जो प्रॉफिट पोस्ट करेगी। तो ये चीज़ देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें खास करके अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड की, तो यहां पे मुझे जो लग रहा है कि यहां पे क्या हो सकता है इस स्टॉक के अंदर, तो यहां पे सबसे पहले अगर आप देखोगे, एक नजर डालोगे, तो मुझे जो यहां पे लग रहा है देखने में, क्या वो चीज़ आपको भी लग रहा है या नहीं, ये चीज देख लेते हैं पहले। ये दिसंबर 2022 का है, ये दिसंबर 2023 का है। तो यहां पे देखिए, दिसंबर क्वार्टर में यहां पे नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिला, ग्रोथ तो नहीं है, गिरावट ही है। यहाँ पे मार्जिन 6% से 7% हो गया, और यहाँ पे 4,327 करोड़ के सेल से घट के 4,178 करोड़ का सेल्स हो गया, यानी मतलब सेल्स में गिरावट है, यहाँ पे प्रॉफिट में गिरावट है। तो क्या यहाँ पे से आने वाला जो क्वार्टर है, यानी Q4 क्वार्टर का रिजल्ट्स में यहाँ पे सेल्स में गिरावट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे मार्जिन 7% रहेगा, या यहाँ पे प्रॉफिट है जो यहाँ पे ये भी गिरता हुआ नजर आएगा? तो मैं वो भी आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पुराना रिकॉर्ड देखें इस कंपनी का, खास करके अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस मार्च क्वार्टर से, इस मार्च क्वार्टर में तो यहाँ पे तो बढ़ोतरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 177 करोड़ से 202 करोड़ हुआ है, 6% से मार्जिन 7% हो गया, 4,215 करोड़ से सेल्स बढ़ के 4,431 करोड़ हुआ है। पिछले साल की बात करते हैं, 2021 की कंपेयर करते हैं, तो 2021 से 22 तक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी चीज़ें इम्प्रूव होता हुआ नजर आया है। यहाँ पे आप देखोगे 2,587 करोड़ से बढ़ के 4,215 करोड़ हो गया सेल्स, इसके बाद 134 करोड़ से बढ़ के 177 करोड़ हुआ है, 8% से बढ़ के यहाँ पे 6% मतलब घट के 6% मार्जिन हो गया। तो यहाँ पे 2021 से 22 में बढ़ा, 2021 से
22 में यहाँ पे इनका जो एक तरह से देखें तो प्रॉफिट बढ़ा, सेल्स बढ़ा, एक तरह से बढ़ोतरी देखने को मिला। लेकिन 22 से अगर हम बात करें खास करके 2000 मतलब कि 2023 तक में, 2023 वाला ये है, 2023 की बात करें तो भी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली। क्या 2023 से 2024 वाला में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा? तो दोस्तों मुझे जो लग रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकता है, 100 करोड़ से 150 मतलब 100 करोड़ के करीब करीब यहाँ पे सेल्स में गिरावट देखने को मिल सकता है, करीब करीब मैं बता रहा हूँ। यहाँ 200 करोड़ से नीचे आ सकता है इनका नेट प्रॉफिट, और मार्जिन 7% का ही रह सकता है मुझे जो लग रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर्स मैं आपके सामने रख दिया हूँ, आप ये चीज़ खुद भी समझ सकते हैं और देख सकते हैं। दोस्तों आप में इतनी काबिलियत तो है ही। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके चलें। जो आने वाला अपडेट होगा मेरा वो आपको इमिडिएटली तुरंत मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अभी तक आपने अपस्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, तुरंत क्लिक करें और अपना अकाउंट ओपन कर लें अपस्टॉक पे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है APL अपोलो ट्यूब्स के अंदर क्या कर रहे हैं, तो बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो मुझे लग रहा है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशंस तो खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रमोटर अपना सेल कर रहे हैं, और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पब्लिक की होल्डिंग है उसके अंदर गिरावट देखने को मिला है। यानी मतलब पब्लिक यहाँ पे सेल करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब 34% से सेल करते करते 25% पे आ गए। यानी पब्लिक की होल्डिंग को कौन खरीद रहा है, तो बड़े इंस्टीट्यूशंस खरीदती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशन जब खरीदारी कर रहे हैं तो यहाँ पे शेयर प्राइस तो भागा ही है, आपने देख ही लिया कि शेयर प्राइस में अपसाइड बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे मुझे रिजल्ट्स पे अभी भी डाउट फिर भी देखने को लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा गिरावट, माइनर सी गिरावट देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन माइनर सी गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखना होगा कि Q4 क्वार्टर का रिजल्ट किस प्रकार से होता है। इसके साथ अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा नज़र आता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें इस कंपनी के अपोलो APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड की, तो यहाँ पे मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, 42,613 करोड़ का, यानी लार्ज कैप की कंपनी बन चुकी है। और यहाँ पे 55 की पी पे ट्रेड कर रहा है, इंडस्ट्री पी 16 पे, यानी मतलब इसका पी भी इंडस्ट्री पी से काफ़ी हाई है। डेप्ट इक्विटी थोड़ा कम है, 0.36 का ही है, 1176 करोड़ का डेप्ट है और 3,225 करोड़ का इनके पास रिजर्व है, 27.50 रुपये का यहाँ पे EPS जनरेट करती है, डिविडेंड 0.33% का देती हुई नजर आती है कंपनी की। जो ROC या ORO ये दोनों चीज़ें काफ़ी शानदार नजर आता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस कंपनी के पास जो ग्राम नंबर के जो नंबर दिए गए 271 रुपये प्राइस होनी चाहिए, पेट्रोस की स्कोर बहुत ज़्यादा खराब है। और क्या इस क्वार्टर में कंपनी यहाँ पे आपको डिविडेंड देगी या नहीं देगी उस पर भी बात कर लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं, बताते हैं आपको कि यहाँ पे कंपनी डिविडेंड देगी या नहीं देगी। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ वापस टिकट ऐप पे और इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा हूँ कि जो पुराना ये डिविडेंड उन्होंने दिया है कब का दिया है, जब भी दिया इन्होंने सितंबर में डिविडेंड दिया है। यानी मतलब कि Q2 एक तरह से अगर हम देखें तो मतलब कि Q4 क्वार्टर में कभी भी इन्होंने नहीं दिया है। यानी मतलब अगर हम बात करें तो एक तरह से Q2 क्वार्टर में इन्होंने ऑलमोस्ट डिविडेंड देते हुए नज़र आए हैं। और यहाँ पे फाइनल डिविडेंड इन्होंने जब भी दिया है फाइनल डिविडेंड दिया है, तो डिविडेंड की कोई गुंजाइश नहीं है APL अपोलो ट्यूब्स के अंदर। और यहाँ पे इनकी जो बैलेंस शीट पे नज़र डालेंगे तो बैलेंस शीट ठीक ठाक नज़र आता है, बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर ख़राब नहीं है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं कंपनी का। और यहाँ पे इसके साथ साथ बोरोइंग भी कंपनी इंक्रीज करती हुई नजर आती है, इक्विटी कैपिटल 55 करोड़ का। और यहाँ पे CWIP में कंपनी काम कर रही है, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट कर रही है दोस्तों। और यहाँ पे टोटल एसेट्स लाइबिलिटी ये सारी चीज़ें कंपनी का इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया इतना देखने के बावजूद भी, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर से दोस्तों कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके चले, जिससे कि आने वाले अपडेट होगा जो आपको तुरंत इमीडिएटली मिल जाएगा। और फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।